नमस्कार दोस्तों, अचानक से आप लोग के सामने जी के आने का कुछ मकसद ही कुछ अलग है। दोस्तों, इस टाइम जी की इलेक्शन कमीशन के ऊपर जी की सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही हथौड़ा चला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जी की दबाव बना और उन्होंने जी की 2014 से पहले का बयान जी की जारी करते हुए उन्होंने बताया सीजीआई चंद्रचूड़ बहुत सुपर और बहुत बढ़िया जे के काम हो रहा था 2014 से पहले, जबकि ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और आज कांग्रेस ही उसका विरोध करती है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि आज जे की पूरी जिस प्रकार से जे की अयोध्या राममय जे की है, उत्तर प्रदेश पूरा राममय है, ठीक उसी बीच जे की योगी आदित्यनाथ का जे की बयान जे के सामने आ चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के ऊपर जे की तंज कसते हुए उन्होंने जे की कुछ ऐसे जे के बयान जारी किए और कुछ जे की मायावती के ऊपर जे की बयान जारी करते हुए उन्होंने अपना जे की पूरी जे की बात कंप्लीट जे की करते हुए जे की उन्होंने बताया। दोस्तों, मैं इस खबर को बताने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जे की हमारी खबर आप लोग को समझ में आ रही है तो चैनल को पूरे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आदित्यनाथ योगी ने मायावती को अपने पक्ष में ला करके और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात जे की कैसे जे की वह जे की कर रहे हैं? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि सभी दल एक तरफ जे की हो जाएं और मायावती जे की बीजेपी की तरफ हो जाएं तो हम लोग चुनाव जे की नहीं हार सकते? क्या मायावती से अखिलेश यादव और जे की साथ साथ में कांग्रेस पार्टी और उसके बाद बीजेपी एंड कंपनी के सभी लोग जे की मायावती से डरते हैं क्या? अगर मायावती से नहीं डर रहे हैं तो सभी लोग अपने पाले में लाने के लिए ऐसी बयान जारी क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा बयान जारी कर रहे हैं जबकि 80 सीट उत्तर प्रदेश में जे की है तो 80 में 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी करती है और उसके बावजूद भी यह जे कि अखिलेश यादव को नसीहत देती है कि अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ जे की बात न करें और गेस्ट हाउस कांड उन्हें याद करना चाहिए। और मायावती के बारे में जे कि उन्होंने बताया कि मायावती अगर जे कि हमारे बीजेपी एंड कंपनी में जे कि जुड़ जाती है तो उनको प्रधानमंत्री जे कि बनाया जा सकता है। ऐसा जे कि क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको लगता है कि मायावती अगर जे की अलग चुनाव लड़ती हैं या किसी गठबंधन में जाती हैं तो उससे जे की बीजेपी को नुकसान होगा? इस बात से लेकर के सभी राजनीतिक दल जे की क्यास लगा रहे हैं कि क्या जे की बीएसपी बीजेपी का बी टीम है? लेकिन कहीं ना कहीं जे की मोदी और योगी दोनों के अंदर जे की इस बात का डर बना हुआ है कि अगर जे की बसपा किसी गठबंधन से जे की मिल जाती है, गठबंधन में जे की चली जाती है तो बीजेपी की राह बहुत जे की मुश्किल जे की हो जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव आयोग अपना जे की चुप्पी साधे हुए और चुपचाप जे के समय का इंतजार करिए कि चुनाव का अनाउंसमेंट जैसे हो ईवीएम से चुनाव करा दिया जाएगा, लेकिन तमाम जे की सुप्रीम कोर्ट के जे की वकील एडवोकेट या तमाम जे की जनता जे की उस बात पर जे की असहमति जताते हुए बार बार जे की सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रही है कि आप जे की बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रक्रिया को शुरू करें और जे की हम लोग की बात को सुने, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट जे की नहीं कर रही है, वो भी चुप्पी साधी हुई है। क्या बीजेपी उस पर जे की दबाव जे की बना चुकी है? क्या दबाव बनाकर जे की उस पर जे की काम कर रही है जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग दोनों लोग जे की खामोश जे की बैठे हैं? दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को प्रताड़ित किया जा रहा है और अपने पक्ष में जे की रहने की जे की हिदायत दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को जे की हिदायत दी जा रही है और उसके बावजूद मोदी जी अपने डिग्री के लिए जे की बता रहे हैं कि हम जे की पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, और इधर जे की अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी के ये डिग्री है और ये डिग्री है, तमाम डिग्रियां दिखा रहे हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है? कहीं ना कहीं जे की चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम से लेकर के मोदी जी को डर है
इधर जी की आदित्यनाथ योगी को बीएसपी से डर लग रही है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी की उत्तर प्रदेश में जी के चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जी के चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और जी की उधर जी की बीजेपी पूरे जी के भारतवर्ष में जी के चुनाव लड़ रही है, तभी फिर भी जी की इन लोग को डर है। किस बात का डर है जब ईवीएम सुप्रीम कोर्ट और जे की उसके बाद जे की पूरी जनता उनके साथ है, पूरे राममय जे की अयोध्या के साथ जे की पूरी राममय जे की बना चुके हैं लोग, उसके बावजूद भी इन लोगों को डर लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग जी की बताएं कि अगर जे की इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट चाहती है, और साथ साथ में मैं बता दूं कि इन लोग के डिग्री के ऊपर जे की जो सवाल उठा हुआ है, तो इस पर जे की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो इसमें जे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जे कि दोषी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, इस पर जे कि आप अपना राय दें। क्योंकि जब जे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर इतना फुल पावर है कि वह जे कि किसी को भी तलब कर सकता है, तो वह अभी तक जे कि ईवीएम के साथ साथ नरेंद्र मोदी को तलब करने में इतना देर लगाया, और लगाने के बाद जो नोटिस जारी भी किया उसके बावजूद भी इस पर जे की खामोशी जताई हुई जे की है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर हमें बताएं। और दोस्तों तब तक के लिए जे की आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जे की जरूर करें और हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।